चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिस्ट्री पढ़ना। जो हम लोग पिछले वीडियोस में पिछले दिन तक हम लोग पढ़े थे वो सेल के बारे में पढ़ रहे थे। सेल दो तरीके के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक सेल में का उदाहरण जो होता है वो लैक्रिमोज और गैल्वेनी सेल होता है। अब हम लोग लैक्रिमोज के बारे में भी पढ़ लिए थे, उसका फिगर भी देख लिए थे, ये भी पढ़ लिए थे कि उसको सूखा सेल भी कहते हैं, उसका कितना वोल्ट होता है तो 1.5 वोल्ट होता है, यहां तक के हम लोग पढ़े थे। शुष्क सेल के लाभ क्या होते हैं ये भी हम लोग पढ़े थे। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक द्वितीयक सेल कि क्या होता है द्वितीयक सेल। इधर से द्वि नहीं, इधर से द्वितीयक सेल के बारे में फर्स्ट आर देंगे, लिखेंगे द्वितीयक सेल के बारे में। वह सेल जिसे एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग करने हेतु इसे अविष्ट किया जाता है। अविष्ट का मतलब चार्ज किया जाता है। वह द्वितीयक सेल कहलाता है। नेक्स्ट आर देंगे, लिखेंगे द्वितीयक सेल का मुख्य उदाहरण लेड संचायक बैटरी है। चलिए तो हम लोग पिछले वीडियोज में भी देखे थे हम लोग कि सांद्रण सेल के दो पार्ट्स होते हैं जिसका नाम होता है प्राथमिक और एक का द्वितीयक। प्राथमिक किसको कहते हैं जो एक बार उपयोग कर लेने के बाद उसको दोबारा पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है वो प्राथमिक सेल कहलाता है। उसमें लैक्रिमोज सेल एक उदाहरण था, उसके बारे में उसका फिगर भी देखे थे क्या क्या कैसे कैसे होता है। अभी हम लोग पढ़ रहे द्वितीयक सेल। इस सेल में क्या होता है कि जैसे मान लिया कि कोई एक बैटरी है, उसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी करके भाई? तो आविष्ट करके। आविष्ट का मतलब चार्ज करके, यानी कि वह सेल, वह बैटरी जिसका इस्तेमाल एक बार करने के बाद दोबारा इस्तेमाल करते हैं हम लोग चार्ज करके, उसको आविष्ट करके, तो उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक सेल। अच्छा, इसका मुख्य उदाहरण क्या है? लेड संचायक बैटरी। जैसे प्राथमिक सेल का मुख्य उदाहरण लैक्रिमोज सेल और गैल्वेनी सेल है, वैसे ही मेन इंपोर्टेंट सवाल आता है कि लेड संचायक बैटरी जो है वो किसका एग्जाम्पल है, तो ये द्वितीयक सेल का उदाहरण है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि लेड संचायक बैटरी क्या है। तो अब हम लोग टॉपिक देंगे लेड संचायक बैटरी। अब इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, चलिए तो लेड संचायक बैटरी में सबसे पहले फिगर बनाएंगे। इसमें एक बर्तन होता है, एक बड़ा बर्तन होता है प्लास्टिक कवर का, हार्ड प्लास्टिक का एक कवरिंग है, एक बर्तन है जिसमें अम्लीय विलयन लिया जाता है। अम्लीय का मतलब कोई भी अम्ल वाला, जैसे H2SO4, CuSO4 चाहे कुछ भी। तो हम यहां पे ले लिए हैं, ये जो है इस बर्तन में ये H2SO4 है, यानी कि बहुत ज्यादा अम्लीय, यानी कि यहाँ पे जो हम लोग वैद्युत अपघट्य का इस्तेमाल करते हैं लेड संचायक बैटरी में वो कौन सा, तो H2SO4। यहाँ पे अम्लीय विलयन। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोड, वो टोटल 6 इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। जैसे मान लिया कि एक इलेक्ट्रोड ये हुआ
एक इलेक्ट्रोड ये हुआ, यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रोड इसमें यूज करते हैं। आप लोग देखे होंगे ना कि वो बैटरी जो इतना बड़ा इन्वर्टर रहता है उसमें बहुत सारा निकला हुआ रहता है इलेक्ट्रोड, तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि और 2 ठो बनाना पड़ेगा, ये सब इलेक्ट्रोड बना रहे हैं, ये 6 इलेक्ट्रोड रहता है। और ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो सभी इलेक्ट्रोड है वो किसके हैं, तो लेड का, यानी कि शीशे का, पीबी का, पीबी का मतलब होता है शीशा, लेड। ये जो इलेक्ट्रोड है सभी इलेक्ट्रोड जो बने होते हैं वो पीबी का होते हैं। अच्छा, एक पीबी का है, ईबी पीबी का है, मतलब कि एक एक गैपिंग के बाद, जैसे मान लिया कि इसको हम लोग मोटा थोड़ा सा बना देते हैं ताकि ये पता चलेगा ये जो है वो पीबी का प्लेट है, इलेक्ट्रोड है, ये पीबी का इलेक्ट्रोड, ज्यादा मोटा हो गया, ये पीबी का इलेक्ट्रोड हो गया, ये पीबी इलेक्ट्रोड। अच्छा, यानी कि जो मोटा वाला हम लोग लिए हैं वो पीबी का इलेक्ट्रोड है, पहचान में आ रहा है, और जो पतला वाला है यानी कि इसको हम लोग कलर कर देते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, ये जो कलर कर रहे हैं वो लेड ऑक्साइड का इलेक्ट्रोड है। यानी कि देखिए टोटल 6 इलेक्ट्रोड हुए थे जिसमें से 3 इलेक्ट्रोड हमेशा एक एक का गैपिंग पे है, यहां यहां यहां, ये पीबी है, ओनली पीबी का इलेक्ट्रोड है, यानी कि लेड का, यानी कि शीशा का। लेकिन और बाकी जो 3 ठो है जो कलर किए भी, यहां से ऑक्सीजन ऑक्सकृत होकर इस इलेक्ट्रोड पे चढ़ाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं PbO2 का प्लेट या इलेक्ट्रोड, यानी कि इसको पढ़ते हैं हम लोग क्या है, PbO2 को लेड ऑक्साइड, जैसे CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं ना, लेड ऑक्साइड इसको पढ़ते हैं, लेड डाइऑक्साइड नहीं, लेड ऑक्साइड, PbO2। अच्छा, अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि जो पीबी है ना सिर्फ पीबी का ही एक साथ जोड़ते हैं, जैसे मान लिया कि यहां पे सिर्फ पीबी को एक साथ कनेक्ट करेंगे, देख पा रहे होंगे कि हम पीबी को एक तरफ से कनेक्ट कर दिए, यानी कि पीबी को एक साथ जोड़ना है और दूसरे तरफ हम लोग जो पीबी का हम लोग ऐड करते हैं ये एक एनोड का काम करता है, मतलब कि नेगेटिव चार्ज, ये है एनोड, ये जब पीबी को एक साथ ऐड करते हैं तो उसका एनोड बनाया जाता है, मतलब कि माइनस। उसी तरीके से जब हम इसका अगर इस्तेमाल करेंगे यानी कि लेड ऑक्साइड को अगर एक साथ जोड़ेंगे, देख पा रहे होंगे ये जो है ना एक साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि इधर, यानी कि कुल मिलाकर अगर फिगर देखा जाए तो हम लोग पीबी 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 को एक साथ कनेक्ट करके एनोड बनाते हैं और पीबीओटू 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 को एक साथ कनेक्ट करके उसको कैथोड बनाते हैं, कैथोड मतलब पॉजिटिव चार्ज, ये कैथोड है मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब यही कैथोड और एनोड से हम लोग किसी भी वायर को कनेक्ट करते हैं तो हमें वो करंट प्राप्त होने लगता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जो सेल है ये लेड संचायक बैटरी है और इसको पुनः चार्जेबल है, यानी कि ये लेड संचायक बैटरी का फिगर है। तो सबसे पहले लेड संचायक बैटरी क्या है, तो अगर हमसे कोई पूछा जाएगा तो लेड संचायक बैटरी एक द्वितीयक सेल का उदाहरण है, और द्वितीयक सेल में क्या होता है कि एक बार अगर इस्तेमाल करने के बाद उसको हम लोग दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक ही चीज, एक चीज को, यानी कि एक चीज नहीं सॉरी, एक बार इस्तेमाल करने के बाद हम लोग उसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते उसको आविष्ट करना पड़ेगा, समय समय पर चार्ज करना पड़ेगा, जैसे फोन है एक्चुअली, तो फोन को हम लोग एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर दोबारा से इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका लेड संचायक बैटरी में सिर्फ फिगर बनाएंगे तो डन हो जाएगा, यानी कि इसका फिगर से हम लोग बना ही देंगे सिर्फ लेड संचायक बैटरी का, और उसके पहले हम लोग लिखे ही थे द्वितीयक सेल के बारे में, तो इसका फिगर है जैसे कि हम लोग वहां लेकलॉच का फिगर बनाए थे वैसे ही यहाँ पे बना लीजिएगा लेड संचायक बैटरी का, इसमें कुछ पॉइंट्स नहीं है लिखना मैंने। अब उसके बाद हम लोग जो टॉपिक देंगे
वो टॉपिक देंगे संक्षारण। टॉपिक दिया जाए संक्षारण, संक्षारण इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरोजिन, कोरोजिन, कोरोजिन संक्षारण। चलिए फर्स्ट आर देंगे, लिखेंगे संक्षारण से में क्या होता है। वायु के ऑक्सीजन, वायु के ऑक्सीजन कॉमा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कॉमा जलवाष्प, कॉमा जलवाष्प कॉमा सल्फर डाइऑक्साइड, कॉमा सल्फर डाइऑक्साइड कॉमा हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि की धातुओं के साथ, आदि की धातुओं के साथ रासायनिक अभिक्रिया होने के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया होने के फलस्वरूप धातु का धीरे धीरे क्षीण होना, धातु का धीरे धीरे क्षीण होना धातु का संक्षारण कहलाता है, धातु का संक्षारण कहलाता है। जैसे 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 का पहला लिखेंगे, जैसे का पहला नंबर लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। दूसरा जैसे का दूसरा चांदी का मलिन होना, चांदी का मलिन होना। तीसरा तांबा की सतह पर हल्के हरे रंग की परत का चढ़ना, तांबा की सतह पर हल्के हरे रंग की परत का चढ़ना। अब उसके नीचे नोट में कुछ करके बात लिखेंगे, एफ ओ टी नोट, नोट में लिखेंगे संक्षारण के कारण ही, संक्षारण के कारण ही मकान, मकान कॉमा पुल कॉमा बांध या जहाज, या जहाज क्षतिग्रस्त हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। चलिए सबसे पहले हम लोग संक्षारण किसको कहते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए कि वायु में यानी कि एयर में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन सी गैस पाई जाती है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जल यानी कि वाटर। देखिए एयर में क्या क्या पाया जाता है, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जल और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और उसके बाद क्या हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ये आपको याद रखना होगा, अगर ये चीज याद रखे होंगे आप रख लेंगे तो संक्षारण बिल्कुल आप समझ जाएंगे। होता क्या है, आपको लिखना क्या है कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जल या जलवाष्प H2O SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड H2S ये सब मौजूद रहते हैं हवा में। और होता क्या है कि जैसे मान लिया कि अगर कोई रॉड या कोई भी धातु का बना हुआ, कोई भी धातु चाहे चांदी हो तांबा हो लोहा हो, अगर वो एयर में हम लोग रखते हैं तो यही सब जो भी यौगिक हैं आपस में रासायनिक अभिक्रिया करने लगते हैं और उस धातु को शक्ति को घटा देते हैं यानी कि उसको छीन करने लगते हैं। छीन का मतलब क्या होता है, उसकी शक्ति को घटा देना, उसकी ताकत को कम कर देना यानी कि उसको छीन करने लगते हैं, और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। संक्षारण का मतलब किसी भी धातु को, किसी भी धातु को वायु में उपस्थित इन सारे यौगिकों के अकॉर्डिंग, इन सारे यौगिक मिलकर रासायनिक अभिक्रिया कर देते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया करने के फलस्वरूप इनकी जो शक्ति है छीन हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है, और फिर वो क्या करता है, वो क्षतिग्रस्त होता है। और आपको याद रहना चाहिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो लोहे में जंग लगना। लोहे में देखते हैं आप बाहर पे जो छड़ रखा रहता है वो
उसमें जंग लगता है, किस तरह का, तो भूरे रंग का। हमेशा याद रखिएगा तांबा में कैसा, तो तांबा में हरा रंग का, हरा रंग का ऊपर परत चढ़ता है। तो ये सब का मतलब ये समझना है कि वो क्या हो रहा है, तो संक्षारण की क्रिया होती है। संक्षारण यानी कि उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ती है। अब बाहर में जो रहता है छड़ निकला हुआ रहता है, जो हम लोग मकान बनाते हैं उसमें बहुत साल के बाद हम लोग देखते हैं क्या हुआ, वो चीती पकड़ लिया। चीती का मतलब हुआ वही जंग लगना। तो उसका जैसे जंग लगता है तो उसके ऊपर वाला जो बाहर का आउटर सरफेस है वो धीरे धीरे झड़ने लगता है और उसकी शक्ति कमजोर पड़ जाती है। तो ये कहलाता है संक्षारण। अब संक्षारण के अनुसार ही जब संक्षारण होगा तो बहुत दिन का बना हुआ मकान ढहने लगता है, बांध वगैरह टूट जाता है, जहाज भी जो पानी जहाज होता है तो वो भी क्षतिग्रस्त होता है। तो कहने का मतलब है कि संक्षारण क्या है, तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आपस में विक्रिया करके किसके साथ, उस धातु के साथ, उसकी शक्ति को कमजोर पड़ जाता है या फिर क्षीण हो जाता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। अब इसका मेन टॉपिक्स जो होता है, हम लोग को सवाल आता है कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को बताइए, लोहे में जंग कैसे लगता है इसको समझाइए। तो अब टॉपिक में लिखेंगे लोहे में जंग लगना, टॉपिक लिखेंगे लोहे में जंग लगना, ये टॉपिक है लोहे में जंग लगना। आखिर लोहे में जंग लगने का प्रोसेस जो है वो कैसे होता है। चलिए फर्स्ट अर्थ देंगे, लिखेंगे लोहे में जंग लगने के लिए, लोहे में जंग लगने के लिए, लोहे में जंग लगने के लिए वायु में जलवाष्प की उपस्थिति, वायु में जलवाष्प की उपस्थिति अनिवार्य है, मतलब जरूरी है, अनिवार्य है। नेक्स्ट एरो, शुष्क वायु में लोहे में जंग नहीं लगता है, शुष्क वायु में लोहे में जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे जंग लगना एक सतत प्रक्रिया है, जंग लगना एक सतत प्रक्रिया है जिसके कारण लोहे की शक्ति धीरे धीरे छीन होती जाती है और अंत में पूरा का पूरा लोहा नष्ट हो जाता है, अंत में पूरा का पूरा लोहा नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे लोहे में जंग लगने की क्रिया एक रासायनिक प्रक्रिया है। चलिए, तो हम लोग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखे कि लोहे में तभी जंग लग सकता है जब वहां पे जल वाष्प होना चाहिए, यानी कि नमी होना चाहिए। अगर नमी नहीं होगा तो वहां लोहे में जंग लग ही नहीं सकता है। इसीलिए हम लिखवाएं कि गर्मी के दिनों में, यानी कि सूखे दिनों में, शुष्क दिनों में कभी भी लोहे में जंग नहीं लगता है। सबसे ज्यादा कब लगता है, जब बारिश के दिनों में जल मिलता है, जलवाष्प, नमी के दिनों में। तो याद रहे कि लोहे में जंग कब लगता है, तो नमी के दिनों में, नमी वाले दिनों में, यूं बोले तो जलवाष्प के दिनों में। जलवाष्प उसके लिए जरूरी है। सूखे दिनों में, शुष्क दिनों में कभी भी लोहे में जंग नहीं लगता है। अच्छा, जंग लगने के बारे में आपको समझना चाहिए कि जो जंग लगता है तो धीरे धीरे, यानी कि कभी भी ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं होता है। ये जो जंग लगता है लोहा में या लोहे का चित्ती पकड़ना, वो धीरे धीरे कई दिनों तक उसके बाहरी परत क्या करते रहते हैं,
भूरे कलर का जो कोटिंग चढ़ता है, परत चढ़ता है, वो धीरे 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 छिन्न होते जाता है और अंत में पूरा का पूरा लोहा बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि लोहे में जो जंग लगता है वो एक रासायनिक प्रक्रिया है। अभी पढ़े ना हम लोग कि एयर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब सारा उपस्थित रहता है और लोहे के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है, यानी कि रासायनिक प्रक्रिया है एक तरह का जंग, लोहे में जंग लगना। सवाल आता है कि लोहे में जंग लगना कैसी प्रक्रिया है, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन? तो रासायनिक परिवर्तन रासायनिक प्रक्रिया है। अब चलिए, लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए कुछ उपाय भी है। तो अब लिखेंगे टॉपिक, लोहे में जंग लगने के बचाव के कुछ उपाय है। हो गया ना? अब उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए, लोहे में फर्स्ट एरो में लिखेंगे लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए कुछ निम्नलिखित विधियां अपनाई जाती है, कुछ निम्नलिखित विधियां अपनाई जाती है। पहला, लोहे की सतह को पेंट करके, दूसरा, लोहे को जस्तीकरण करके, तीसरा स्वरक्षण। चलिए, तो ये तीन इंपोर्टेंट विधि है जिससे हम लोग लोहे में जो जंग लगता है उससे हम लोग बचा सकते हैं। क्या करना होगा? अक्सर आप देखते होंगे ना कि लोहे का दरवाजा, लोहे की खिड़कियां अक्सर क्या किया जाता है, उसको पेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी, उसका लाइफ बहुत दिन तक चले, यानी कि वो जल्दी क्षतिग्रस्त नहीं हो। क्योंकि होता क्या है ना कि लोहे को जब अगर हम लोग पेंट कर देते हैं तो अगर ऊपर से बाहर से पेंट हो गया तो जो भी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, CO2, H2S, ये सब सारा जो एलिमेंट्स है, सॉरी कंपाउंड है, ये लोहे के साथ टच में नहीं आता है तो ये रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे टूट जाता है। यानी कि लोहे के बाहर पेंट है ना, तो पेंट से ये अगर रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है, हमेशा लोहा से करता है, तो लोहा तो एक ढका हुआ है ना, ऊपर तो पेंट चढ़ा हुआ है। तो यही कारण है कि जो हम लोग पेंट कर देते हैं तो लोहे का इस यौगिक के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो पाता है, संपर्क टूट जाता है। यही कारण है कि इसका जो लाइफ है पेंट करने पे लोहे से बनी वस्तु का ज्यादा दिन तक चलता है। तो पहला आप यह कर सकते हैं कि पेंट करके भी लोहे में जंग लगने को बचा सकते हैं। दूसरा, जस्तीकरण बना है जस्ता से, और जस्ता का मतलब हुआ जिंक, एक एलिमेंट है। तो अगर आप चाहें तो लोहे के ऊपर जिंक का लेप करके, यानी कि जस्ता का चारों तरफ से लेप कर सकते हैं, जिंक का परत चढ़ाकर भी आप बचा सकते हैं। क्योंकि जिंक जो होता है एटमॉस्फेयर में जो कंपाउंड है उससे रासायनिक अभिक्रिया नहीं कर पाता है, अतः हम लोग का जो लोहा से बना वस्तु है वो सुरक्षित रह पाता है। अब आता है स्वरक्षण। देखिए, स्वरक्षण का मतलब होता है कुछ ऐसी भी धातुएं हैं जो उनको पेंट करने का आवश्यकता नहीं है, उनमें कभी जंग लगता ही नहीं है। जैसे एल्युमिनियम एक ऐसी धातु है जिसमें एल्युमिनियम का बना हुआ वस्तु में कभी जंग या कभी चींटी नहीं पकड़ता। कारण क्या है कि अगर जैसे मान लिया कि एल्युमिनियम का कोई बना हुआ वस्तु है और जैसे ही वो एयर से, कौन कौन सा वस्तु, जैसे ऑक्सीजन, CO2, H2S, ये सब सारा जैसे ही इसके संपर्क में आया उसको खत्म करने के लिए, तो ऑटोमेटिक अपना सुरक्षा कवच ऊपर से चढ़ा लेता है। यानी कि एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है जो अपने आप को बचाने के लिए स्वरक्षण, यानी कि खुद ब खुद बचाने के लिए एक अपने ऊपर एक कवचा
एक सुरक्षा कवच से ढक लेता है और वो जो ढकता है उससे अभिक्रिया नहीं करता है। यानी कि स्व का मतलब होता है खुद, रक्षण का मतलब खुद से रक्षा करना। तो कुछ ऐसी भी धातुएं हैं जो अपने आप को बचाने के लिए खुद ऑटोमेटिक एक ऐसा कवच से ढक जाता है उनका पूरा बॉडी या फिर पूरा वस्तु का जो चारों तरफ का एरिया है कि जो भी एटमोस्फेयर में कंपाउंड है उनके साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जंग लगने से बचाने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे हम लोग, तो सबसे पहला उस वस्तु को पेंट कर सकते हैं, दूसरा स्वरक्षण और तीसरा जस्तीकरण। ये तीन इंपोर्टेंट पार्ट्स है जिसको हम लोग जंग लगने से बचा सकते हैं। तो इस तरीके से जो हम लोग पढ़ रहे थे, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग केमिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ रहे थे वो फिजिकल पढ़ रहे थे, यानी कि तीन पार्ट में, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिजिकल का टोटल 5 चैप्टर में हम लोग पहला खत्म कर दिए, दूसरा खत्म कर दिए, तीसरा चैप्टर चल रहा था ये भी खत्म हो गया है आज। अब अगले वीडियो में यानी कि अगले दिन नेक्स्ट डे से जो हम लोग सीखेंगे वो रासायनिक गतिकी चैप्टर, रासायनिक गतिकी चैप्टर, ये चैप्टर का नाम ही है रासायनिक गतिकी। ये चौथा नंबर चैप्टर है केमिस्ट्री का, भौतिकी रसायन का। तो ये हम लोग अगले दिन स्टार्ट करेंगे। तो आप बिल्कुल एक एक चीज को, वीडियोस को देखिए, उसको नोट करते जाइए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम होगा भी तो जब क्लास जब खुलेंगी लॉकडाउन के बाद तो हम लोग उसमें सब चीज नोट किया हुआ रहेगा, तो समझना रहेगा, तो हम लोग आराम से समझ पाएंगे। तो अगले दिन से जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे आज खत्म हो गया, अगले दिन से चौथा चैप्टर शुरू होगा। धन्यवाद।